भाई आ गया हूँ मैं अभी नीरज की क्लास से, जिसने अभी अशोक विहार में डांस क्लास ओपन करी है, तब दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ तो फाइनली अब आया हूँ मैं अंदर, तो नीरज भाई आ गए हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा वेट कराया था इनने, और ये अभी इनकी न्यू क्लास है जो है अशोक विहार में, और इनका पूरे एड्रेस के साथ मैं लगाऊंगा अपने थंबनेल पे, तो आप लोग देख लेना क्लासेस का पूरा, और कोरियोग्राफर फुल फाड़ो फुल जबरदस्त जो, और ये सचिन भाई भी आए हुए हैं आज, तो इन्होंने बोला क्यों ना हम भी चलते हैं थोड़ा सा क्लास के दर्शन कर लें। भाई देखो बहुत टाइम हो गया डांस छोड़े हुए, डांस करे तो मिलेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, फिटनेस भी जरूरी है, जरूरी नहीं फिटनेस जिम से हुआ करता है, डांस से अपने आप को फिट रखता है, जैसे नीरज भाई मेरा कितना फिट है, जिम नहीं करता फिट है नीरज भाई, दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है भाई। मैं तो अंदर आ चुका हूँ, आज मैं फाड़ूंगा डांस क्योंकि बहुत दिन हो गए प्रैक्टिस वाले, मतलब एक तरीके से डांस करना वो नहीं हो पाया था, बहुत दिन हो गए, तो भाई ने खोल दी क्लास तो अच्छी बात है, अभी और भी क्लासेस हैं वहाँ पे भी जाऊँगा मैं, क्योंकि सब ने बुलाया हुआ था, सेम इन्होंने अभी पार्टी में मिले तो कह रहे हैं सैंडी तो आया नहीं, मैंने भाई बिना इन्वाइट के फोन जाता है, बट अपनी क्लास से आ सकते हैं, तो अभी आया हूँ अशोक विहार की इस क्लास में, यहाँ पे करेंगे कुछ डांस वांस, ये तो बन गया भैया फुल लुकिंग में आ गया डांसिंग वाले, तो ये स्टार प्लस पे करा था, दिखाओ अपना फ्रूटीपन, और कौन कौन थे ये रफ्तार आया था बहुत सारे, ये रफ्तार ने अपने हाथों से दिया था भाई को, तो ये जब का है जब रफ्तार को कोई इतना जानता भी नहीं था, अच्छा एक चीज नीरज, एक ट्रॉफी याद है जहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हुआ था, वहाँ पे हम तुक्के में गए थे और हमने सोचा था कि गणेश वंदना करेंगे अच्छी थी, बट वहाँ पे पता चला कि वो गणेश वंदना तो ऑन द स्पॉट हमने जाके वो डांस पढ़ा था, और वहाँ पे फर्स्ट प्राइज हमारा रहा था, सेकंड भी हमारे था, सेकंड में फिर इसने अकेले करा था, भावना के साथ एक लड़की थी हमारे साथ, उसी के साथ इसने करा था, थर्ड भी हमारे ग्रुप में से आया तो तीनों ट्रॉफी हमारे पास थी, तो लगभग तीनों ट्रॉफी हम ही लोग उठा के आ गए थे, तो ये वाले गाने थे हमारे जिसपे हमने ट्रॉफी को उठा के लाए थे, वहां से जीत के लाए थे, और भीड़ में से जीत के लाए थे, मतलब आप वहां पे ना थोड़ा सा मचमच भी हो गया था कि ये बंदे आए, एक्चुअली हुआ ये था हमने बॉलीवुड करा था और बाकी लोग कटिंग पटिंग और ये सारी चीजें कर रहे थे, तो मतलब टटिंग ही कर रहे थे, टटिंग हो गया लिरिकल पॉप हिप हॉप कंटेम्प्रेरी ये सब कर रहे थे, बट वहाँ की ऑडियंस को पसंद किया आया था बॉलीवुड, तो हम बॉलीवुड करके और तो इसका स्टार्ट हो गया है, कमजोर ये उसकी और वीडियो उठा के देखना है, देखना कितना कमजोर हो गया है, बना लेनी चाहिए, जरूरी नहीं कि बॉडी बना के जंपर उठाए जाते हैं, फिटनेस के लिए भी उठाए जाते हैं यार, जरूरी दौड़ना है, नीरज भाई का कहना है, अब नीरज के मन में क्या चल रहा है पता नहीं, एक्चुअली सीरियसली बताऊं भाई मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहे थे, मूड बिल्कुल अपसेट सा था मेरा, बस ऐसे निकला था, मैंने कहा चलिए यार नीरज की क्लास ही चलते हैं, घूम रहे हैं,
तिन्ने फोन करा नीरज को, नीरज कह रहा भाई मैं भी बाहर हूँ, आ रहा हूँ तो चलते हैं। अब आके बैठे हुए थे तो मैंने सिर्फ क्या करा, मैंने एक फोटो खींची थी बाहर की, मैंने चल एक फोटो खींच लेता हूँ। तो ये बंदा कह रहा ब्लॉग बनाएगा ना तू, मैं बनाता हूँ। तो ये ब्लॉग बनाने लगा। अब नीरज आ गया तो हमने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी बना ले। जब न्यू क्लास है, पुरानी होती तो शायद कुछ सोचते भी। फिलहाल अभी हम, अरे वाह लड्डू भी आ गए, लड्डू खाने किसी को देखो भाई, लिए तुम्हारे लिए रखे हुए थे। ठीक है भाई, ये लड्डू हमारे लिए स्पेशल रखे हुए थे। पूजा के हैं लड्डू, मतलब वही जो अभी पूजा देख तेरे लड्डू हैं, ध्यान रखियो पूजा के लड्डू। ये भाई देखे पूजा के लड्डू हैं, पूजा वाली पूजा मत समझ लेना भाई, पूजा करने वाली पूजा की बात कर रहे हैं। ठीक है तो पूजा करने वाली पूजा की, नहीं भाई मैं तो देखो वही बोल रहा था पूजा करने वाली पूजा। वैसे मेरे घर में बहुत सारे लड्डू भरे पड़े हैं, रोज मैं सुबह लड्डू खा रहा हूँ। पर गाइस आपको एक चीज कहना चाहूंगा, भाई की क्लास है अशोक विहार के अंदर 97A अशोक विहार, जिस किसी भी फेज 3 के अंदर माता चेक और पब्लिक स्कूल के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। तो गाइस जिस किसी भी को अपने बच्चे को या खुद को या वेडिंग कोरियोग्राफी करानी हो तो वो यहाँ पर आके डायरेक्ट भाई से मिल सकता है। भाई का बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा है जुमैक डांस स्टूडियो के नाम से, तो बहुत अच्छी कोरियोग्राफी कराते हैं और इनके कराए हुए बच्चे काफ़ी कंपटीशन जीत कर आते हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे मॉन्ट फोर्ट पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे कंपटीशन होता है, वहाँ के भाई ने एक कोरियोग्राफी करी लड़की को तो फर्स्ट प्राइज जीती थी मॉन्ट फोर्ट में। तो ठीक है गाइस, जिस किसी को आना हो यहाँ पर मिल सकता है अशोक बिहार में। तो गाइस मिलते रहिएगा, देखते रहिएगा ये ब्लॉग और मेरा ब्लॉग, दोनों को देखते रहिएगा। भाई का ब्लॉग का नाम है इट इज ब्लॉग और मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है फन अड्डा विद सचिन। तो भाई दोनों पे बने रहिएगा, दोनों को आगे तक बताइएगा। तुम्हारा भाई आज काफ़ी टाइम बाद आया है ब्लॉग के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि मूड थोड़ा अपसेट था क्योंकि घर की कुछ दिक्कतें ऐसी आ गई। तो बाकी डांस का भी दिखाएंगे, हाँ वो भी दिखाएंगे थोड़ा सा। मैं इसलिए नहीं आ रहा था अभी चैनल पे क्योंकि काफ़ी ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो गई मेरे घर के अंदर जो मैं आपको अभी शायद बता सकता, जैसे कि अभी एक मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई, तो चक्कर में मैं बहुत अपसेट रहा काफ़ी टाइम तक, तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाया गाइस। तो मैं फिर से एक बार आया हूँ चैनल पर, तो गाइस सपोर्ट करिएगा अपने भाई को, अपने बेटे को, अच्छे को बने रहिएगा वीडियो में। दिक्कत क्या हो गया, ठीक है आगे चल के और देखा तो और क्या क्या होने वाला है।